ये ICA एशिया पैसिफिक रीजन के जनरल असेंबली का कार्यक्रम आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, और इस कार्यक्रम में लगभग 28 देशों से जुड़े हुए लोग, लगभग 300 के ऊपर प्रतिनिधि विभिन्न देशों के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर अलग अलग चर्चा हुई है। आज सहकारी आंदोलन के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, उनसे कैसे हम निपट सकते हैं, उनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, लोगों के सुझाव, लोगों के एक्सपीरियंसेस, लोगों के विभिन्न देशों के लोगों के जो विचार हैं, डिस्कशन के बाद जो चीज़ें निकल करके आएंगी, अकेले हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे एशिया रीजन में हम कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत कराने के लिए उन निष्कर्षों के आधार पर निर्णय लेने का काम करेंगे। सरकार को भी उन निर्णयों से, हम या हमारे साथी जिन देशों से आए हैं, सरकार को भी उन निर्णयों से अवगत कराने का काम करेंगे, जिससे कि जो सहकारिता का उद्देश्य है, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट का उद्देश्य है, उसको हम पूरा कर सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे व्यवसायी हैं, जो हमारे गरीब हैं, उनको हम दे सकें।